तो दोस्तों महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हमने किए काल भैरव जी के दर्शन, उसके बाद हम आए मंगलनाथ दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग प्रसाद खरीद रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं ऐसे यहाँ मंदिर के बारे में, तो उसका वीडियो भी मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है। उनका स्वामी है मंगल, कर्क रेखा इसी मंदिर से ऊपर गुजर रही है, यहाँ से जाती है महाकाल, महाकाल से जाती है सोमनाथ जो गुजरात में है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शनि सिंगनापुर में शनि गिरह का नाम आपने सुना होगा, शनि महाराज को ऊपर चढ़ाते ना तेल तील लोहा काला कपड़ा काला वस्त्र, उसी पर प्रसाद चढ़ाने से उज्जैन का यात्रा पूर्ण यात्रा मंगल होता है यहाँ पे। और काल भैरव पर खाली आती है, एक गोत्र का एक प्रसाद है, किसी का अलग गोत्र हो तो वो अलग चढ़ाता है, नाम और गोत्र बोल के चढ़ाते हैं। ये रत्न वहाँ चढ़ाना है, इसको लाना वो ला भी सकते घर के लिए, तांबे के अंगूठे बनवाने के लिए, इसका कोई अलग चार्ज नहीं लगता है, इसे टोकरी के अंदर होता है। अभी इस थाली की क्या प्राइस है? ये सरकारी बोर्ड लगे भाई, कोई लूटपाट का काम नहीं, इस मंदिर पर 151 का 151 का प्रसाद। ये दोस्तों ये प्राइस रेट है प्रसाद की, तो इस प्राइस से आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मंगलनाथ जी का मंदिर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हो और आपने काल भैरव और मंगलनाथ जी के दर्शन नहीं किए, जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं होगी, ऐसा यहाँ मानना है। तो हम लोग भी मंगलनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ मंगलनाथ जी के जब दर्शन करते हैं तो पुजारी जी को अपना कुल गोत्र बताना होता है, ताकि आपकी पूजा सफल हो सके, उसके बाद ही आपकी दोस्तों पूजा सफल होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं।